उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया बसडीह रोड थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत सभा डुमरी के भीम प्रसाद प्रधान प्रतिनिधि के द्वारा ही ग्राम सभा डुमरी में विकास कार्यों से होने वाली ग्राम पंचायत की उठी चमक। मैं भीम प्रसाद प्रधान प्रतिनिधि ग्राम सभा डुमरी। गांव की आबादी कितनी है आपकी? लगभग 5,000 जी। आपके गाँव में आवास से कितने लोग वंचित अभी हैं? 200-250 लोग वंचित हैं अभी जी। हम जानना चाहते हैं आपके गांव में क्या स्टेडियम या अन्य चीज बना है कि नहीं? आपके यहाँ नहीं बना है अभी तक, ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है। स्टेडियम है ही नहीं है, हाँ। शो वाहन के लिए, शो के लिए भी कुछ है व्यवस्था आपके यहाँ? हाँ, जलाने के लिए अभी तक बना नहीं। बना नहीं। कयाकल्प कौन सा, क्या विद्यालय में काम हुआ कि नहीं? अच्छा हुआ। आपके गांव में सड़क और नालियों का क्या स्थिति? 11 साल बीत गया, 11 साल रह गए। सड़क नाली की स्थिति अभी भी गड्ढे बनी हुई है। एक नई बस्ती हुई है हमारी ग्राम सभा से, जिसमें जाने के लिए अभी RCC हुआ था जो टूटा पड़ा है, उसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बजट पर्याप्त नहीं हो पा रहा है कि वो काम पूरा हो सके। अभी तक कितने प्रतिशत सड़क नाली बाकी हैं जो बनाना है? 50% बाकी है सर अभी। क्या आपके निधि से बन सकता है कि नहीं? निधि से अलग बजट चाहिए, निधि से तो नहीं होना संभव नहीं है। संभव नहीं है जी। तो यह हम जानना चाहते हैं आपके गांव में या अन्य किसी भी पूरे प्रदेश के गांव में चाहे कहीं भी सरकार की योजनाएं ये है, गांव को आदर्श बनाना है, सुंदर बनाना है आज। और आपके यहाँ पानी की क्या व्यवस्था है? किस दूषित पानी कैसा है? पानी दूषित हो रहा है। जल जीवन मिशन की योजना आई थी जो अभी तक धरातल पे दिख नहीं रही है, और जगह तो दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है। आप कैसे बनाना चाहते हैं अपने गांव को? गांव का सुंदर विकास और सुंदरीकरण हो, गांव की जनता को स्वच्छ जल मिले, स्वच्छता के प्रति लोग जागरूक हों जी। अभी भी क्या आपके गाँव से स्वच्छ करने बाहर जाते हैं या हर घर में शौचालय बन चुका है? शौचालय 50% बना है, अभी तक भी लोग बाहर जाना भी व्यवस्था है, लोगों को बाहर जाना अभी तक। किस रूप में अपने गांव को देखेंगे आप? हम अपने ग्राम सभा को आदर्श ग्राम सभा बनाना चाहते हैं। सरकार से क्या मांग करेंगे आप? सरकार से मांग करेंगे कि और गांवों की अपेक्षा हमारे गांव को भी विकसित करने में हमारा सहयोग करें।